तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आपको मैं प्रैक्टिस सेट 3.1 सिखाऊंगा, तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट 3.1 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट सम हम लोगों का क्या है कि इसमें बोला है कि कौन सा सीक्वेंस एपी है और कौन सा सीक्वेंस एपी नहीं है, और जो सीक्वेंस एपी है तो उसका हम लोगों को आप कॉमन डिफरेंस बताओ। तो हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोगों को फाइंड करना है कि क्या सीक्वेंस एपी है या नहीं, और अगर सीक्वेंस एपी है तो कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग T1, T2, T3, T4 अज्यूम कर लेते हैं। तो ये मैं समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 6, T4 इज इक्वल टू 8। अब हम लोग D फाइंड करेंगे। तो D फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर D फाइंड करेंगे मतलब T3 माइनस T2 मतलब 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। फिर डी फाइंड करेंगे मतलब T4 माइनस T3 मतलब 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो तीनों जगह पे 2 2 2 आ चुका है। अगर तीन बार कभी भी आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ आप लोग, तो मतलब कि ये एक एपी है। तो द कॉमन डिफरेंस, हम लोगों को यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट। मतलब कि कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब पास पास वाले के, आजू बाजू वाले का, तो कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब दिस इज एन एपी। तो ये हो गया हम लोगों का एपी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को थोड़ा अपॉन में दिया गया है, और अगर आप ओल्ड टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हैं तो करेक्ट कर लें, यहाँ पे 3 है बट आप लोगों को यहाँ पे 2 लिखना है, करेक्शन है वहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले T1 T2 अज्यूम कर लेते हैं। ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3 और ये हो गया T4। तो लेट T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 5/2, T3 इज इक्वल टू 3, T4 इज इक्वल टू 7/2। अब D फाइंड करते हैं। तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 तो मतलब 5/2 माइनस 2, तो इस तरीके से 5 - 4/2 तो आ गया 1/2। किस तरीके से हुआ, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 को 1 के साथ 5 आया, फिर 2 को 2 के साथ 4 आया, फिर 2 को 1 के साथ 2 आया, आप लोगों को मालूम होगा। वरना हम लोग एक और चीज़ कर सकते थे, डिनोमिनेटर को यहाँ पे 2 बना सकते थे 2 से मल्टीप्लाई करके, और एक बार नीचे करते तो ऊपर भी करना पड़ता तो भी आंसर वही आता, बट क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ईजी लगता है तो मैंने वही कर दिया। तो फिर डी इज इक्वल टू T3 माइनस T2 तो 3 - 5/2 ठीक है। अब 3 × 6 -5/2 1/2। फिर से डिफाइंड करेंगे T4 माइनस T3 7/2 -3/1 7 - 6/2 1/2। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो तीनों जगहों पे 1/2 1/2 1/2 आ चुका है। तो मतलब कि कॉमन डिफरेंस जो है किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में वो कांस्टेंट है, आप लोगों को सेम लाइन यही लिखना है। तो मतलब ये क्या हो गया, ये एक एपी हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट सम करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो माइनस में नंबर्स दिए गए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, आप शायद साइन साइन में कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये हो गया हम लोगों का T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4 ठीक है। तो D फाइंड करेंगे, D फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1 तो T2 माइनस 6 माइनस -10, ये आप लोग ध्यान में रखें वरना -6 -10 लिख देंगे आप लोग। तो -6 + 10 तो -6 + 10 क्या हो जाएगा हम लोगों का 4। अब उसके बाद फिर से D फाइंड करेंगे तो T3 माइनस T2 तो -2 माइनस -6 तो -2 + 6 फिर से सेम आंसर मिला 4। फिर से D फाइंड करेंगे मतलब T4 माइनस T3 तो 2 - -2 तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। मतलब तीनों बार अगर हम लोग देखें तो कॉमन डिफरेंस 4 4 4 सेम आ चुका है। इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, और एक बार कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एपी। और जो दूसरा क्वेश्चन रहता है हम लोगों का कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर ही दिए हैं ऑलरेडी। तो देयरफॉर दिस इज एन एपी। आप लोग चाहें तो नीचे एक बार फिर स्टेटमेंट में डाल सकते हैं, द कॉमन डिफरेंस इज 4, द कॉमन डिफरेंस इज 2। नाउ नेक्स्ट सम, फोर्थ वाला हम लोग देखते हैं। तो इसमें ये हो गया मेरा T1, ये हो गया T2, term 1, term 2 एंड term 3। तो अब बात करें तो D पहले फाइंड करेंगे तो T2 माइनस T1 तो 0.33 माइनस 0.3 करूँगा मैं तो मेरे को मिलेगा 0.30।
और फिर से मैं डी फाइंड करूंगा तो टी थ्री माइनस टी टू मुझे मिलेगा 0.333 माइनस 0.33, तो इसमें मुझे आंसर मिल जाएगा 0.300। तो यहाँ पे आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर 30 है, 300 है, क्या ये एपी है या नहीं। तो आप लोगों को बता दूं कि कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि 30 है तो मतलब इसके आगे भी एक जीरो होगा, लगा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ज़्यादा स्मार्ट लोग ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, बट नहीं दोस्तों, ये 300 है, ये 30 है, दोनों के बीच में 270 का गैप है। तो मतलब द कॉमन डिफरेंस इज नॉट कॉन्स्टेंट। अगर कॉमन डिफरेंस कॉन्स्टेंट नहीं है तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट कॉन्स्टेंट, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। अब उसके बाद फिफ्थ सम देखते हैं दोस्तों। ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4। तो इसमें पहले D फाइंड करेंगे, तो D फाइंड आउट करने के लिए D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो माइनस 4 माइनस 0, तो ये मुझे मिलेगा माइनस 4। फिर से D फाइंड करूँगा तो T3 माइनस T2 मतलब माइनस 8 माइनस माइनस 4, तो माइनस 8 प्लस 4 तो माइनस 4। फिर से D फाइंड करूँगा मतलब T4 माइनस T3 तो माइनस 12 माइनस माइनस 8 मतलब माइनस 12 प्लस 8, तो यहाँ पे बात करूँ तो फिर से माइनस 4। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 तीनों बार आंसर हम लोगों को सेम मिला है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। और अगर कॉमन डिफरेंस कॉन्स्टेंट हो गया तो क्या हो गया, ये एपी हो गया, इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर दिस इज एन एपी। अब बात करते हैं सिक्स्थ सम की। तो सिक्स्थ सम में अगर मैं देखूँ तो ये पता नहीं सीक्वेंस में है या नहीं। वैसे तो यहाँ पे देखें तो इसके और इसके बीच में, सबके बीच में जीरो का गैप है, तो मतलब ये सीक्वेंस में है, बट हम लोगों को प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। तो D फाइंड करने के लिए T2 माइनस T1 तो माइनस 1/5 माइनस माइनस 1/5, तो माइनस 1/5 प्लस 1/5, तो माइनस 1 प्लस 1 0/5, इसका आंसर 0। वैसे ही T3 माइनस T2 भी सेम इसी तरीके से आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0। तो मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। और एक बार अगर कॉमन डिफरेंस कॉन्स्टेंट हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोगों का AP। तो द कॉमन डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर दिस इज एन AP। चलिए सेवेंथ सम करते हैं। ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपको, कि आप लोग सोचोगे भाई रूट में है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बट नहीं दोस्तों, रूट में है तो कोई बात नहीं, हम लोग रूट से भी बाहर निकालेंगे। तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, तो ये आंसर क्या बचेगा, रूट 2, बिकॉज ये माइनस हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे D की। तो D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, तो T3 माइनस T2 में 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, क्योंकि ये प्लस है तो ये जब ब्रैकेट में जाएगा तो माइनस साइन इसकी चेंज कर देगा। तो 3 भी कैंसिल हो गया, 2 में से बन गया तो रूट 2। फिर से D फाइंड करेंगे तो T4 माइनस T3, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। आप लोगों को बता देता हूँ कैसे साइन चेंज हुई। तो यहाँ पे 3 प्लस 3 रूट 2 फिर माइनस 3 फिर ये माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2, तो उसके बाद यहाँ पे फिर से रूट 2 मिल जाएगा, बिकॉज 3 यहाँ कैंसिल हो गया, 3 में से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। तो हम लोग अगर तीनों को देखें तो रूट 2 रूट 2 रूट 2, तो कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो कॉमन डिफरेंस एक बार कॉन्स्टेंट हो गया तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने एट्थ सम भी कर दिया है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप लोग देखें तो नॉर्मल नंबर्स हैं, तो इसमें D निकाला तो 5 आया, तो ये भी हम लोगों का AP हो गया। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बोला है कि हम लोगों को AP बनाना है, जिसका पहला टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, हम लोगों को दिया गया है। तो T1 मतलब टर्म 1 इज इक्वल टू A एंड A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 5। तो टर्म 1 10 है तो टर्म 2 क्या हो जाएगा, आप लोग खुद ही सोचो कि अगर पहला टर्म 10 है और दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है तो 15 20 इस तरीके से होगा, मतलब टर्म 1 के साथ 5 प्लस हो रहा है। तो फार्मूला हो जाएगा T1 प्लस D, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15,
फिर टी थ्री फाइंड करेंगे तो टी टू प्लस डी इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो तीन से चार टर्म आप लोग अगर एक बार फाइंड कर लोगे तो उतना बहुत है। अब टी थ्री टी फोर फाइंड करने के लिए 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। देयर फोर द ए पी इज, जो हम लोगों का सीक्वेंस है वो 10 से शुरू है, 10, 15, 20, 25 और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, बिकॉज ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये था हम लोगों का पहला सम। दूसरा करते हैं, दूसरे में टी वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस 3 और जो डी है वो 0 है। तो टी टू इज इक्वल टू टी वन प्लस डी, तो माइनस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 3। फिर टी थ्री की बात करें तो टी टू प्लस डी, तो माइनस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 माइनस 3 आप लोगों का रिपीट होता जाएगा। तो देयरफॉर द ए पी इज माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3। इस तरीके से हो गया हम लोगों का सेकंड सम। अब थर्ड सम की बात करते हैं, तो टी वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 6 हो गया और जो डी है हम लोगों का वो हो गया माइनस 3। तो टी टू क्या हो जाएगा, टी वन प्लस डी, तो 6 प्लस माइनस 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये हो गया टी टू। अब हो गया टी थ्री टी टू प्लस डी, तो 3 प्लस माइनस 3, क्योंकि डी क्या है हम लोगों का माइनस 3, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया टी थ्री। अब टी फोर मतलब टी थ्री प्लस डी, तो 0 प्लस माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3। तो देखें हम लोग, तो ये डिक्रीज होता जा रहा है। देयर फोर द ए पी इज 6 3 0 माइनस 3 फिर माइनस 6 माइनस 9 कंटिन्यू होता जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ सम की। फोर्थ सम, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अब थर्ड सम। थर्ड सम की बात करें तो टी वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस 7 है और डी इज इक्वल टू 1/2 है। तो टी टू का फॉर्मूला होगा टी वन प्लस डी, तो माइनस 7 प्लस 1/2, तो माइनस 14 प्लस 1/2 कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो माइनस 13/2। अब टी थ्री के लिए टी टू प्लस डी, तो माइनस 13/2 प्लस 1/2, तो 2 कॉमन है तो डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, माइनस 13 प्लस 1/2 माइनस 12/2 इज इक्वल टू माइनस 6। हेंस द ए पी इज माइनस 7 माइनस 13/2 माइनस 6 डॉट डॉट डॉट। आप लोग चाहें तो इसके आगे भी निकाल सकते हैं। तो फोर्थ सम की ओर अब बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट सम। लास्ट सम में जो टी वन है वो है माइनस 19 और जो डी है वो है माइनस 4। माइनस माइनस देके आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, बट हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। माइनस 19 प्लस माइनस 4, डी हम लोगों का माइनस 4 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखें और ये वाला प्लस फॉर्मूले वाला है। तो माइनस 19 माइनस 4 ये आ जाएगा माइनस 23। अब टी थ्री की बात करते हैं, तो टी थ्री इज इक्वल टू टी टू प्लस डी, तो माइनस 23 प्लस माइनस 4, तो ये माइनस 23 माइनस 4, तो माइनस 27। टी फोर इज इक्वल टू टी थ्री प्लस डी, तो माइनस 27 प्लस माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 27 माइनस 4, तो माइनस 31। तो ए पी क्या हो जाएगा हम लोगों का, द ए पी इज माइनस 19 माइनस 23 माइनस 27 माइनस 31। तो इस तरीके से हम लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ए फाइंड करना है और डी फाइंड करना है सब ए पी में से। ए पी बोल दिया है मतलब ये ए पी ही है, कोई भी टर्म हम लोग लेंगे तो वो ए पी ही रहेगा, तो हम लोगों को बार बार डी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो टर्म वन ए हो गया और ए हम लोगों का 5 है, ए हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब डी के लिए क्या करेंगे, टी टू माइनस टी वन, चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो लेट टी वन इज इक्वल टू 5, टी टू इज इक्वल टू 1। तो टी टू माइनस टी वन मतलब 1 प्लस माइनस 5, तो माइनस 4, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे चाहे तो स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस 4 और फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या लिखेंगे, लेट टी वन इज इक्वल टू 0.6, टी टू इज इक्वल टू 0.9, तो डी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन मतलब 0.9 माइनस 0.6, तो आ गया 0.3। और T1 हम लोगों का A है, A इज इक्वल टू 0.6, तो फिर से कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0.3 और जो फर्स्ट टर्म है वो है 0.6। अब करते हैं थर्ड सम। थर्ड सम की बात करें तो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 127 है, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं T1 इज इक्वल टू 127 एंड T2 इज इक्वल टू 135।
कॉमन डिफरेंस की बात करें तो टी टू माइनस टी वन, तो 135 माइनस 127 तो 8 आ गया डी. तो देयर फोर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 8 एंड टी वन इज इक्वल टू 127. टी वन मतलब फर्स्ट टर्म ए, ये ए लिखा है मैंने ब्रैकेट में. अब देखते हैं फोर्थ सम. फोर्थ सम में अपॉन अपॉन में करके दिया गया है, तो आप लोगों को घबराना नहीं. जब भी अपॉन वाले सम देखो तो और भी ज़्यादा एडवेंचरस हो जाता है वो, घबराना नहीं चाहिए वहाँ पे आप लोगों को. तो ये हो गया हम लोगों का. डी फाइंड करते हैं तो टी टू माइनस टी वन, तो 3/4 माइनस 1/4, तो 3 - 1/4 मतलब 2/4 मतलब 1/2, और टी वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1/4. तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया हम लोगों का, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2. तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 3.1 ख़त्म हुआ. मुझे उम्मीद है कि जिन जिन लोगों ने कमेंट की थी थर्ड चैप्टर की, उन लोगों को सेटिस्फैक्शन हुआ होगा. और मैं बाकी प्रैक्टिस सेट के भी वीडियोज़ जल्दी ही अपलोड कर रहा हूँ. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आज के लिए बस इतना ही.